नमस्ते डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू पीटी एजुकेशन मेरा नाम है तुशांत यादव एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स ऑन गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के बारे में भारत की राजकोषीय नीति सर इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है

तब आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं विदाउट के तो एंड फैक्ट्स आपको दोनों पता होना चाहिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो मैं यहां आप पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा तीसरी चीज मैं आपको स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ाऊंगा और इस स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर से को कर कर समझाऊंगा यानी स्टैटिक भी पढ़ाऊंगा और करंट अफेयर से कोरिलेशन और इंटरकनेक्शन भी सिखाऊंगा ताकि जब आप न्यूज़पेपर आगे कभी पढ़ें तो आप खुद से इस चीज़ को कोरिलेट और इंटरकनेक्ट कर पाएँ ठीक है सर सर इस कोर्स को लाने के पीछे जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सर मैं आपको केवल इन्फॉर्मेशन ना दूँ आपकी इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करूँ सर ये देख रहे हैं आप ये यहाँ पर सर ये मैं हूँ और ये आप हैं ये जो चीज़ है सर ये करनी है मुझको आपकी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना है, सर और आपको ये सिखाना है कि इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं सर तो इस कोर्स को लाने का ऑब्जेक्टिव ये है सर इस कोर्स में क्या क्या होगा सर देखिए पहला चैप्टर पांच चैप्टर होंगे इन पांच चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर होंगे पंद्रह पंद्रह मिनट के होंगे और आपका गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी और टेक्निक दोनों कवर हो जाएंगी कि पढ़ते कैसे हैं ठीक है सर तो पहला चैप्टर क्या होगा गवर्नमेंट बजट और फिजिकल पॉलिसी का इंट्रोडक्शन तो मैं आपको गवर्नमेंट बजट के बारे में भी थोड़ा पढ़ाऊंगा कि ये गवर्नमेंट बजट है क्या एक्चुअल क्योंकि ये फिजकल पॉलिसी बिना गवर्नमेंट बजट जाने नहीं पढ़ा जा सकता ठीक है तो मैं आपको पहले गवर्नमेंट बजट से रूबरू -रु करवाऊंगा और फिर फिजकल पॉलिसी के बारे में आपको बताऊंगा दूसरे चैप्टर में सर गवर्नमेंट रेवेन्यू गवर्नमेंट के दो बेहतरीन अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में बताऊंगा सर पूरा खेल इसी का है रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का अगर ये समझ गए तो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी का आप आधा तो समझ ही गए सर तीसरा चैप्टर गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के कितने टाइप्स होते हैं मैं ये आपको बताऊंगा और चौथे चैप्टर में सर ये चौथा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपने न्यूज पेपर मैगजीन में पढ़ पढ़ कर आप थक गए होंगे कि ये फिजिकल डेफिसिट क्या है फिजिकल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट पास कर जा रही है स्लिप हो जा रहा है फिजिकल सर ये जो फिस्कल डेफिसिट है रेवेन्यू डेफिसिट है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेफिसिट है ये मैं आपको चौथे चैप्टर में समझाऊंगा ठीक है तो चौथे चैप्टर में आपकी होगी गवर्नमेंट फिस्कल गवर्नमेंट डेफिसिट के कितने टाइप्स होते हैं और सर ये जो पांचवां चैप्टर है देखिए जब हम चार चैप्टर ये पढ़ लेंगे तो हमारा स्टेटिक पोर्शन लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा और इस स्टैटिक पोर्शन के ऊपर जो हम बिल्डिंग बनाने वाले हैं वो पांचवें चैप्टर में यानी करंट अफेयर से कोरिलेट और इंटरकनेक्ट करेंगे पांचवें चैप्टर में और पांचवें ही चैप्टर में गवर्नमेंट का एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट एफ आर बी एम एक्ट टू थाउजेंड थ्री के बारे में हम सभी कुछ जान लेंगे तो पांच चैप्टर लगेंगे लेकिन गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी आपकी कोई हिला नहीं पाएगा ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप कर नहीं पाएंगे सर हमारा टारगेट यूपी ऑडियंस होगी यूपीएससी सी एस एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट सर ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा लेकिन सर ये ओपन टू ऑल है ये जी के जनरल नॉलेज के पर्पज़ से भी देखा जा सकता है अगर आपको गवर्नमेंट के बारे में जानना है तो आप इस कोर्स से सभी कुछ जान लेंगे कि आपका जो पैसा यानी आपकी जो सैलरी आती है वो किस अकाउंट से आती है जो आपके पेंशन्स आते हैं वो किस अकाउंट से आते हैं जो गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट करती है कंपनीज़ का उसका पैसा किस अकाउंट में जाता है गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आता है गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू लाती है कहाँ पर एक्सपेंडिचर करती है अगर ये सब चीज़ें आपको जाननी है तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ये ओपन टू ऑल है एक कॉमन मैन भी इसको देख सकता है लेकिन हमारा फोकस जो रहेगा वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के एस्पीडेंट्स के ऊपर मेनली यू पी एस एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स एस्पीडेंट्स के ऊपर रहेगा लाइक पी सी एस यू पी पी सी एस महाराष्ट्र पी सी एस गोवा पी सी एस इन सभी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा तो सर आइए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से इंट्रोडक्शन टू गवर्नमेंट बजट एंड फिस्कल पॉलिसी तो आप सभी लोग ये तो जानते होंगे कि गवर्नमेंट जो बजट होता है वो हर साल पेश किया जाता है है ना फरवरी के मंथ में किया जाता है लेकिन ये गवर्नमेंट बजट है क्या एक्चुअली देखिए इसको सिंपल टर्म्स में समझते हैं तो गवर्नमेंट बजट से पहले आप ये समझिए कि बजट क्या होता है सर ये बजट क्या होता है मान लीजिए आपको गोवा जाना है गोवा की ट्रिप पे सर गोवा इज़ ऑन बट सर मनी इज़ नॉट ऑन पैसे नहीं है आपके पास तो सर आप क्या करेंगे तो देखिए सर आप क्या करेंगे एक कॉपी उठाएंगे और एक पेन लेंगे और एक तरफ ये लिखेंगे कि आपका रेवेन्यू यानी पैसे आपके पास आएंगे कहाँ से और दूसरी तरफ आप ये लिखेंगे कि आप खर्च कहाँ कहाँ कर, कर पर करेंगे गोवा की ट्रिप में तो मान लीजिए आपका रेवेन्यू मम्मी से आ गया हज़ार रुपये मांग लिया आपने पापा बहुत दिलवाले हैं पापा ने चार हज़ार रुपये दे दिए वैसे मम्मियाँ ज़्यादा दिलवाली होती हैं मान लीजिए आपके भाई ने भी आपको पाँच सौ रुपये दे दिए आपके फ्रेंड्स रिलेटिव ने भी आपको कुछ रुपए दे दिए तो ये जो आपने लिखा ये क्या है आपका रेवेन्यू यानी आपके पास पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे तो सर आप एक्सपेंडिचर भी आप काउंट करेंगे पैसे कम ना पड़ जाएं तो आप एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे कि जैसे आपका ट्रैवल ट्रैवल के कितने रुपए लग जाएंगे आप वहां पर होटल की बुकिंग कराएंगे उसके कितने रुपए लग जाएंगे आप मान लीजिए वहां पे फूड लेंगे उसका कितना रुपए लगेगा आप वहां पर एडवेंचर्स भी करेंगे मान लीजिए उसका कितना रुपये लगेगा तो लगभग लगभग आप क्या करेंगे मान लीजिए पंद्रह सौ है माफ कीजिएगा तो मान लीजिए आपने लगभग लगभग कितने पैसे आएंगे और कितने पैसे आप खर्च करेंगे इसका आप एस्टिमेट बनाएंगे तो सर ये क्या है ये जो आपने लिखा है ये नथिंग बट इट्स अ बजट ऑफ गोवा तो गोवा का जाने का बजट गोवा की ट्रिप का बजट जो है ये आपने बनाया है यानी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन द सेम वे सर गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है तो गवर्नमेंट अपना साल भर का बजट बनाती है कि साल भर उसके पास पैसे आएंगे कहाँ से और साल भर वो पैसे खर्च कहाँ पर करेगी तो सर जहाँ जिस पार्ट में वो लिखती है कि पैसे कहाँ से आएंगे उस पार्ट को बोलते हैं फाइनेंशियल बिल और जिस पार्ट में वो लिखती है कि एक्सपेंडिचर कहाँ पर होगा उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल तो सर निर्मला सीतारमन जी ऐसी एक किताब लेकर आएँगी वही खाता जिसमें रेवेन्यू पार्ट भी होगा और एक्सपेंडिचर पार्ट भी होगा यानी इसी के अंदर फाइनेंशियल बिल भी होगा और अप्रोप्रियशन बिल भी होगा सर फाइनेंशियल बिल एंड एंड्रोप्रियशन दे बोथ आर मनी बिल ये दोनों मनी बिल हैं अंडर आर्टिकल ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक दस आर्टिकल एक सौ दस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसके अनुसार फाइनेंशियल बिल और अप्रोप्रिएशन बिल दे बोथ आर मनी बिल ठीक है सर ये ड्यूटी किसकी है किस बजट्स के पेपर को पार्लियामेंट में टेबल्ड किया जाए सर ये ड्यूटी जो है ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है प्रेसिडेंट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट में एनुअल सर ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है सर ये बजट है बजट का टर्म पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है उसकी जगह लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल मतलब सालाना फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट तो सर ये नथिंग बट बजट तो सर ये ड्यूटी किसकी है इंश्योर करने की कि पार्लियामेंट में टेबल्ड किया गया है सर ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल वन ट्वेल्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सर जब ये फाइनेंशियल बिल और अप्रोप्रिएशन बिल ये दोनों पास किए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा से तब ये कहा जाता है कि बजट इज पास फ्रॉम द पार्लियामेंट बजट पास हो गया अब एग्जीक्यूटिव सर एग्जीक्यूटिव कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकती है ये लेजिस्लेचर का कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर ठीक है लेजिस्लेचर कट मोशन के थ्रू भी कट मोशन के थ्रू भी क्या करती है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है कट मोशन पॉलिसी कट टोकन कट इकोनॉमी कट इनके थ्रू भी लेजिसलेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है ठीक है सर तो बजट एक वे है लेजिसलेचर का एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखने का यहाँ तक समझ में आया सर आपको देखिए ये बजट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसके अंदर होता क्या है एक्चुअली इसको क्या बजट को क्या बोलते हैं हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बार कौन सा आया है सर 2020-2021 सर ये 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर है क्या सर मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या है ये हम समझ लेते हैं सर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 इसका मतलब क्या है सर देखिए मतलब ये है कि जो फर्स्ट अप्रैल दो से थर्टी मार्च 21 तक का जो टाइम पीरियड है इसको बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर ठीक है सर यानी 1 अप्रैल से जो 31 मार्च तक का टाइम होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर सर कैलेंडर ईयर क्या होता है सर फर्स्ट जनवरी से थर्टी फर्स्ट दिसंबर वो होता है कैलेंडर ईयर तो फाइनेंशियल ईयर क्या है फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च ठीक है सर तो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी 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 वन का मतलब समझ में आया है तो सर मैंने आपको बताया था कि बजट जो तो पेपर्स होते हैं कब ले डाउन किए जाते हैं पार्लियामेंट में फरवरी के मंथ में किए जाते हैं फर्स्ट वीक ऑफ फेब में कर दिए जाते हैं पहले लास्ट वीक ऑफ फेब में किया जाता था अब फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ये पेपर्स ले डाउन कर दिए जाते हैं पार्लियामेंट में सर फरवरी 2020 में कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा था ज़रा बताइएगा सही लिख रहा हूँ या नहीं फाइनेंशियल ईयर दो हज़ार ठीक है सर तो ये उस समय ये करेंट करंट फाइनेंशियल ईयर था ठीक है जब पेपर्स ले डाउन किए गए जब फरवरी 2020 में पेपर्स बजट ले डाउन किया जाएगा उसमें क्या क्या होगा सर अगले फाइनेंशियल ईयर का यानी 2020 और 21 का बजट एस्टिमेट सरकार अगले साल के बारे में ये सोचेगी कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा अगले साल और अगले साल एक्सपेंडिचर कहाँ पर करेगी यानी बजट का एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और सर जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है 2019-20 इसका आएगा सर रिवाइज एस्टिमेट क्यों सर क्योंकि पिछले साल इसका बजट एस्टिमेट आ चुका होगा अब एक माह एक अप्रैल से एक फरवरी यानी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक का टाइम पास हो चुका है कुछ एक्चुअल खर्चे हो चुके, हो चुके होंगे कुछ एक्चुअल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू आ चुका होगा और एक्सपेंडिचर हो चुका होगा लेकिन अभी भी दो मंथ बाकी हैं इसलिए सर 2019-20 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर का रिवाइज्ड एस्टिमेट और सर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 2018 19 का एकदम सही सर एक्चुअल फिगर्स आ जाएंगे ये भी इसी में लिखा जाएगा तो सर ये बजट डॉक्यूमेंट्स में जो ये 2020 और 21 का ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसमें सर तीन चीजें होंगी बजट एस्टिमेट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर सर रिवाइज एस्टिमेट ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर एंड एक्चुअल फिगर्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तो समझ में आया आपको कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2020 और 21 जो निर्मला सीतामण एक रेड कलर की बुक लेके आती हैं उसमें ये तीनों चीजें होंगी उस डॉक्यूमेंट में तीन डॉक्यूमेंट्स अंदर समाहित होंगे ठीक है तो आई होप कि गवर्नमेंट बजट का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा आइए समझते हैं कि ये फिजिकल पॉलिसी है क्या भारत सरकार की ये जो राजकोषीय नीति सर फिजकल मतलब होता है नीति सर ये राजकोषीय नीति है क्या देखिए फिस्कल पॉलिसी इज़ द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर भारत सरकार रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का कैसा यूज़ कर रही है यानी जो उसके पास पैसे आ रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चा कर रही है या उससे कम खर्चा कर रही है या उसके बराबर खर्चा कर रही है किस तरह की नीति को किस तरह की पॉलिसी को फॉलो कर रही है इसको बोलेंगे गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी सर जिस तरह की पॉलिसी वो चूज़ करेगी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उससे क्या होगा वो इन्फ्लुएंस करेगी कंट्री की इकोनॉमी को इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वेरिएबल्स होंगे उनको इन्फ्लुएंस करेगी यानी भारत सरकार की जो फिजिकल पॉलिसी है उससे बहुत चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं स्पेशली इकॉनमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक लाइक जीडीपी सर लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये सारे इन्फ्लुएंस होते हैं सर कैसे देखिए जीडीपी क्या होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद सर ये क्या होता है देखिए मान लीजिए ये इंडिया है भारत सरकार की जीडीपी के बारे में बात करते हैं ये इंडिया है और इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है यह और यह भारत की बाउंड्री है अब सुनिएगा जीडीपी क्या होता है किसी भी एक वर्ष में किसी भी एक वर्ष में एक ईयर में भारत की बाउंड्री के अंदर बाउंड्री के अंदर जितना भी टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं जीडीपी ऑफ इंडिया ठीक है समझ आ गया भारत सरकार कि जो जीडीपी होगी यानी जो जीडीपी होगी इंडिया की वो क्या होगी किसी भी एक वर्ष में टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन इज नोन एज जी ऑफ दैट नेशन समझ में आया इस बात को और जो जीडीपी होती है एक्सपेंडिचर मेथड से वो होती है सी यानी कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड आई मतलब इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट फर्म्स जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो सर ये जो जी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है जीडीपी से यानी जीडीपी इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग और जब भारत सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा करती है यानी ये जी बढ़ता है तो सर जीडीपी भी बढ़ती है क्योंकि डायरेक्टली को है यानी गवर्नमेंट की अगर फिजिकल पॉलिसी है बहुत ढेर सारा एक्सपेंडिचर करना एक्सपेंडिचर इतना करना कि वो रेवेन्यू को भी सरपास कर जाए डेवलपिंग नेशन की ये कहानी है डेवलपिंग नेशन की जो सरकारें होती हैं वो बहुत ढेर सारा एक्सपेंडिचर करते करते हैं क्योंकि बहुत ढेर सारा वर्क उनको करना होता है ठीक है सर तो एक्सपेंडिचर बहुत ढेर सारा करती है इसकी वजह से सर ये जो जी है ना ये जी बढ़ता है यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है और इसी वजह से सर ये जीडीपी भी बढ़ती है जीडीपी सर जीडीपी बढ़ेगी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा सरकार बहुत ढेर सारा खर्चा करेगी तो लोगों को जॉब मिलेगी लोगों को जॉब मिलेगी तो लोग डिमांड करेंगे लोग डिमांड करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ने लगेगी इन्फ्लेशन आने लगेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगेगी और इकॉनमी का पहिया चलने लगेगा तो सर भारत सरकार की फिजिकल पॉलिसी से पूरी भारत की इकॉनमी इन्फ्लुएंस होती है इसलिए टॉपिक को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है तो सर फिजिकल पॉलिसी है क्या फिजिकल पॉलिसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज इकोनॉमिक स्पेशली द माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन लाइक जी डी पी एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस एटसेट्रा 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 ठीक है सर ये कार्टून भी आप देख लीजिएगा आपके लिए लगाया है स्पेंडिंग एंड टैक्सेस दिस इज फिजिकल पॉलिसी ऑफ दी गवर्नमेंट तो ये पहला चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है फिजिकल पॉलिसी क्या होती है अगले चैप्टर में सर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के दो बेहतरीन अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट आपको ये वीडियो जैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छा लिखिएगा और अगर आपको कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन या कुछ क्रिटिसिजम हो तो आप बहुत प्यार से वो उसको भी कमेंट बॉक्स में सर ये मेरा चैनल है होप तुशांत यादव यहाँ पर मैं इकॉनमी इंडियन इकॉनमी का पूरा कोर्स ला रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट तो यहाँ पर भी आएँ और इस चैनल को भी प्यार दें सर ये पीटी के कुछ बेहतरीन रिसोर्सेस हैं इनका पूरा लाभ उठाएं इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत ही बेहतरीन लोगों द्वारा डिज़ाइन किया गया है स्पेशली संदीप मानोधाने सर तो आइए और पीटी के रिसोर्सेज का भरपूर लाभ लीजिए तो आज के लिए इतना ही थैंक यू नमस्ते जय हिंद